दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE फोन टैपिंग और जासूसी मामले में मुंबई के एक्स मुंबई पुलिस चीफ संजय पांडे की जमानत याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ED को नोटिस जारी किया। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। अदालत ने मंगलवार को संजय पांडे की अन्य याचिकाओं पर भी केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को नोटिस जारी किया, जिसमें उनके खिलाफ IPC, IT अधिनियम और टेलीग्राफ अधिनियम आदि की विभिन्न धाराओं को रद्द करने की मांग की गई थी। ED मामले में ट्रायल कोर्ट ने हाल ही में उन्हें इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा आवेदक संजय पांडे 30 जून 2022 तक मुंबई पुलिस के शीर्ष पुलिस अधिकारी थे, इसीलिए जांच एजेंसी अभियोजन की आशंका है कि आवेदक गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकता है। निचली जमानत के समक्ष अपनी जमानत याचिका में संजय पांडे ने कहा कि उन्हें कई हाई प्रोफाइल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों की जांच और मुकदमा चलाया था और तत्काल कार्यवाही एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों में ईमानदार और ईमानदारी से निर्वहन का राजनीतिक नतीजा है। तत्काल मामला स्पष्ट रूप से राजनीतिक विचारों से प्रेरित है और यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि 2009 और 2017 के बीच कथित रूप से हुए एक अपराध की जांच 2022 में की जा रही है, यानी इसके शुरू होने के 13 साल बाद और इसके कथित बंद होने के 5 साल बाद और वो भी आवेदक द्वारा अपना पद छोड़ने के एक सप्ताह के भीतर, संजय पांडे की जमानत याचिका में कहा गया है। एडवोकेट सिद्धार्थ सुनील के साथ एडवोकेट आदित्य वाधवा ने संजय पांडे का बचाव किया और प्रस्तुत किया कि उक्त प्राथमिकी के पंजीकरण में भारी देरी से जांच की प्रमाणिकता पर गंभीर संदेह पैदा होता है। इतना ही नहीं बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक संजय पांडे को वर्तमान में अपनी गलती के बिना और केवल कुछ राजनीतिक प्रतिशोध को पूरा करने के लिए आरोपित किया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल CBI 2018 से इस मामले की जांच कर रही है और ये आरोप लगाया गया है कि पांडे द्वारा निगमित फर्म उन IT कंपनी में से एक थी जिसे 2010 से 2015 के दौरान NSE में सुरक्षा ऑडिट का काम सौंपा गया था, जब माना जाता है कि कोलोकेशन घोटाला हुआ था। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।